अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फालूदा सेव बनाकर बता रहे हैं। ये फालूदा सेव में मैंने ये एक बॉल भर के कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहे तो अरारोट भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि अक्सर सेव है ना लाइट होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मीठा करके इसकी सेव बनाए। और उसके लिए कलर के लिए मैंने येलो कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है, ऑरेंज कलर, जो भी कलर का आप चाहे बना सकते हैं। तो सब और ये सेव मेकर लिया है बनाने के लिए। आप चाहें तो मेहंदी के कोन जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग से भी बना सकते हैं। पहले मैंने ये कॉर्नफ्लोर इस फ्राइंग पैन में डालूंगी, कढ़ाई में डालूंगी। जितना मैंने ये लिया है उससे 3 गुना ज्यादा मैं 2-3 गुना ज्यादा पानी डालूंगी। और ये शुगर थोड़ा सा, मतलब सादा ना लगे इसलिए थोड़ा शक्कर डाल रही हूँ। पहले इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी ताकि इसके लम्स निकल जाएं। ये मैं इसको ऐसे धीरे धीरे हिला रही हूँ, सारे लम्स निकल गए और ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं गैस पे रख कर कंटिन्यूस स्टर करूंगी जब तक के वो ठीक ना हो जाए। इसको ठीक होने तक इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। और ये बहुत ही आसान है बनाने में, बस स्टरिंग कंटिन्यूस होना चाहिए। पहले तेज आंच पे रख के करेंगे, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसका रंग ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो समझ में आ जाता है कि ये पक्के तैयार हो गया है। देखिए अब ये थोड़ा ठीक होने लगा, इसको जल्दी जल्दी चलाइए। अब ये ठीक होने लगा और ठीक होते होते इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे और आंच स्लो रखेंगे, आंच स्लो कर देंगे। देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट होने लगा। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं है और ये सिमटने लग गया है, इसका मतलब अब ये तैयार हो गया है। अब देख रहे हैं, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं ये गैस बंद कर दिया मैंने। अब इसको गरम गरम ये सेव मेकर में हम देखिए, इसकी जाली को मैंने पहले ही ऑयल करके रखा है और सेव की जाली लेंगे और उसमें ये गरम गरम भर दूंगी, क्योंकि ये अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे सेव मेकर का। चिल्ड वाटर चिल वाटर लेंगे एक बर्तन में और इसकी सेव निकालेंगे। बोलो, ये एकदम चिल वाटर है। अब हम इसे किसी कपड़े से पकड़ेंगे और इसमें ठंडे पानी में हम इसे निकालेंगे। अभी हो गया। अब मैं इसमें से थोड़ा साइड कर देती हूँ और इसमें येलो कलर मिलाती हूँ। देखिए येलो कलर है, आप कोई भी कलर का बना सकते हैं। येलो कलर मिला के इसे खूब मिलाऊंगी। और इसे दूसरे बर्तन में निकालूंगी, इसको फिल कर।
ढक्कन लगा देंगे। अब एकदम चिल वाटर इस बर्तन में भी डालेंगे और इसे पकड़कर, क्योंकि ये बहुत गर्म है, इसे पकड़कर हम येलो कलर की तैयार हो गई। हमने व्हाइट येलो, अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है तो मैं इसमें ये ग्रीन कलर डालूंगी और ग्रीन कलर पूरा मैच करूंगी। हल्का सा गैस चालू करके इसमें इसे भी फिल गैस बंद कर देती हूँ। अब इसमें फिल कर दूंगी, फिल करके आपको बताती हूँ। इसी तरह हम सब निकाल कर इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे और फिर छान कर हमारा फालूदा सेव तैयार हो गया। वाइट येलो और चालू है। इसी देखिए, अब हमारी फालूदे की सेव तैयार हो गई है। डिफरेंट कलर की मैंने बनाया है, आप भी इसको बनाइए। बहुत इजी रेसिपी है और गर्मियों में इसका मजा लीजिए। मैं इसके बाद आपको आइसक्रीम विद फालूदा नूडल्स बताऊंगी और फालूदा आइसक्रीम बताऊंगी। आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, अलग अलग रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने नूडल्स बनाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।